हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आम के फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बड़ी वैकेंसी लेकर आया। जी हां दोस्तों, ये एक ऑफलाइन वैकेंसी और बड़ी वैकेंसी है। ECGS दिल्ली की ये वैकेंसी रहने वाले। इस वीडियो में मैं आपको इसको फॉर्म को भर के बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म को भेजना कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है खास। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो स्टार्ट करते हो। इससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी लास्ट डेट की। दोस्तों इसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी 2024। तो आपके पास काफ़ी समय है अपने फॉर्म को भेजने के लिए। अभी चर्चा करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है दोस्तों। तो ECGS दिल्ली के लिए चपरासी, चौकीदार, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब सहायक, टेक्नीशियन और भी अन्य कई सारे पद निकाले गए हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 112 पदों पर भर्ती की जा रही है। ये दोस्तों ऑफलाइन भर्ती है तो इसके अंतर्गत रिक्वायरमेंट और कंपटीशन लेवल बहुत कम होता है। साथ ही इसमें उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट यानी आपकी क्वालिफिकेशन की नहीं मांगी जाती। सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है और परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। सभी जातियों के लिए फॉरम में जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं RT पास से लेकर ग्रेजुएशन पास तक सभी इस वीडियो के लिए एलिजिबल है, इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अभी हम चर्चा करते हैं विस्तार से कौन कौन सी वैकेंसी है, साथ ही सैलरी उनकी क्या क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम चपरासी है, उसके लिए 16,800 रुपये मिलेंगी आपको। योग्यता में सिर्फ RT पास कैंडिडेट चाहिए। नेक्स्ट में है चौकीदार, इसकी भी दोस्तों 3 वैकेंसी है। 16,800 पेमेंट इसी में भी दिया जाएगा, इसमें सिर्फ RT पास मांगी गई है। उसके अलावा सफाई वाला और महिला अटेंडेंट, जो भी महिला अटेंडेंट वीडियो देख रही है उनके लिए सिर्फ साक्षर होना ही आवश्यक है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मांग नहीं रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों महिला डेंटल सहायक के लिए डेंटल आपको पता होना जरूरी है। ड्राइवर के लिए आपको बता दूं कि आपके पास RT पास और ड्राइवर फर्स्ट का MT का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, या हेवी हो चाहे लाइट हो, आपके पास लाइसेंस होना रिक्वायरमेंट मांगा गया है। रिसेप्शनिस्ट के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा कलर के लिए भी आपके पास कलर की का ट्रेड और एक स्नातक होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए भी फार्मेसी या बाहरी विज्ञान PCB से होना जरूरी है। लैब सहायक के लिए आपको लैब का ज्ञान होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए भी आपको टेक्निकल का ज्ञान होना रिक्वायरमेंट मांगा गया है। अभी इसके अंतर्गत बताऊंगा कि आपको फॉर्म को इस लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, लेकिन वो लिफाफे के आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम डॉक्यूमेंट की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा गया है। तो 10th 12th की मार्कशीट, जो भी आप भर्ती के लिए भेज रहे हो फॉर्म उसके अनुसार एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट रिक्वायरमेंट मांगी गई है। जो 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपकी जन्म प्रमाण पत्र उससे हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र कंपलसरी है, चरित्र प्रमाण पत्र आप ज़रूर भेजिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मेडिकल फिटनेस, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बना के उसको भी मेंशन करिएगा साथ में। अगर आप एक सर्विसमैन हो या विधवा हो या डिसेबिलिटीज पर्सन हो तो उनके लिए भी इस वैकेंसी में खास है, वो भी इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इस वैकेंसी की जो खास बात यह है कि ये शुरुआती समय है और इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपका फॉर्म भेजिए दोस्तों। आपको अभी फॉर्म भर के बताता हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। शुरुआत में दोस्तों नंबर 1 कॉलम आपको लिखना है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, आपका नाम होना चाहिए कौन से में बड़े अक्षरों के अंतर्गत। तो जल्दी दोस्तों हमने अपना नाम लिख दिया। इसके अलावा दोस्तों राइट साइड में आपकी फ़ोटो लिखवाना है और जैसे मैंने लिखा है दोस्तों सेम आधा सिग्नेचर आपको फोटो के ऊपर करना है और आधा सिग्नेचर फोटो के नीचे होना चाहिए। उसके नेक्स्ट में नंबर 2 कॉलम है आधार नंबर, उसमें आपका आधार नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट में आ रहा है आपका फादर का नेम या सपोज नेम, दोनों जो भी है आपका उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट में आइए नंबर 4 कॉलम में आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस हो पोस्टल एड्रेस सहित लिखना है। नंबर 5 में आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है मैंडेटरी है वो का लिखना ही लिखना है। उसके अलावा नंबर 6 कॉलम में आपकी जो कैटेगरी है दोस्तों जनरल OBC उसको लिखना है। नंबर 7 कॉलम में दोस्तों आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC से अप्लाई कर रहे हो या जनरल से अप्लाई कर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट में मैंडेटरी डालना है। नंबर 8 कॉलम में आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्लोजिंग डेट कब तक हो जाएगी, इस तारीख तक उसको आपको भरना है। इसके अलावा लेंथ ऑफ सर्विस, अगर आप एक सर्विसमैन हो और आप अप्लाई कर रहे हो इस पोस्ट के लिए तो आपको यह फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपको नील लगा के खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों नेशनलिटी,
आपकी जो नेशनलिटी है, यानी आप इंडिया के हो, जापान के हो, भोपाल के हो, कहाँ के हो, नेशनलिटी इंडिया के हो तो इंडियन कर देना है। नेक्स्ट में जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल या अदर कास्ट जो भी हो उसका नेम डालना है। इसके अलावा 13 नंबर कॉलम दोस्तों कंपलसरी है, ये दोस्तों ध्यान से भरिएगा क्योंकि आपका कई बार ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर इसमें ही डाल दिए देते हैं आपका थ्रू, जैसे डाक पोस्ट नहीं आ पाता तो इसी के थ्रू भेज देते हैं। नंबर 14 कॉलम है दोस्तों, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी जाएगी। इसमें आपका जैसे 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार 10th की मार्कशीट के कितने नंबर हुए, कब आपने पासिंग की है, इसके अलावा टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज आपकी कितने आए हैं, इसके अलावा नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आपने कौन सी स्कूल से किया है और आपका बोर्ड कौन सा है, वो आपको इसके अंतर्गत डालना है। नंबर 15 कॉलम, अगर आपने ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये आपके लिए है, अगर आपने ड्राइवर पोस्ट के अप्लाई नहीं किया और अदर पोस्ट के लिए किया है तो ये आपको नील छोड़ देना है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इसके अंतर्गत डालना है। इसके अलावा आपके पास कौन सा लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल है या हेवी मोटर व्हीकल, उसको फॉर्म को भरना है। इसके अलावा दोस्तों नीचे ये आपको कितना आपको एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का या मैकेनिकिज्म का, उसको भी आपको लिखना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपने कब से कब तक गाड़ी चलाई है, ये भी इसके अंतर्गत पूछा गया है। 16 नंबर कॉलम के अंतर्गत दे दीजिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस लाइट मोटर व्हीकल का है या किसका है, आपको कौन से टाइम तक आपने किया ड्राइविंग का एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में चलिए 17 नंबर कॉलम में एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या कोई सर्टिफिकेट आपने लिया है तो आपको इस 17 नंबर कॉलम के अंतर्गत भरना होता है। और आपके लिए एक जानकारी और दे देता हूँ कि दोस्तों जनवरी 2024 में जो 5 बड़ी भर्तियाँ आने वाली हैं उसके रिलेवेंट भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी 5 लाख से अधिक पद हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है पूरी डिटेल दी गई है दोस्तों। अभी चलते हैं हम दोस्तों 18 नंबर कॉलम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या पूछा गया, डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस, इस फॉर्म की आपने कितनी फीस पेड की है या नहीं की है। तो आपको पता होगा कि इस फॉर्म के लिए कोई फीस दे नहीं है, आप बस ई मित्र से अपना फॉर्म डाउनलोड करवा सकते हो दोस्तों, और इसके अंतर्गत कोई अनदर फीस आपने देनी नहीं है। कोई एजेंट भी अगर आपसे मांगे तो बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों, कोई एजेंट आपकी भर्ती नहीं करा सकता, ये गवर्नमेंट के थ्रू वैकेंसी है, वो तो आप बिल्कुल भी घबराई नहीं, आराम से जॉब्स को दीजिए बिना किसी एजेंट के चक्कर में। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों चलिए 19 नंबर कॉलम, इसके अंतर्गत लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे हैं। तो दोस्तों आपको एक वो जानकारी और दे दूँ कि इसके अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी खुद के सिग्नेचर होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। उसके नीचे आइए दोस्तों डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के अंतर्गत आपने दोस्तों डिक्लेरेशन करना है, यानी मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ उसके ना अपना जो प्लेस है वहाँ से कहाँ से भेज रहे हो वो प्लेस करना है, और नेक्स्ट में आ रहा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो आपका वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। नेक्स्ट में इसके जैसे मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट में भी आपको क्लेमिंग बेनिफिट्स, अगर आपको बेनिफिट्स ले रहे हो जैसे SC ST या OBC के थ्रू आपको ये अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर करके इसको भी एग्री कर देना है। अभी चलते हैं दोस्तों, अपना फॉर्म भरना हो गया कंप्लीट, अभी हमारा बाकी क्या रह गया दोस्तों, लिफाफों को भरना, यानी लिफाफे के अंतर्गत क्या डालना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने, और इसके अलावा आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखना क्या रहता है। तो सर्वप्रथम हमको 2 लिफाफे लेने हैं दोस्तों, एक छोटा लिफाफा एक बड़ा लिफाफा, जैसे मैंने ले रखे हैं सेम आप भी ऐसे ले सकते हो। बड़े वाले लिफाफे की पहले चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है बड़े वाले लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने ECTS ड्राइवर लिखा है, सेम आप भी ECTS फार्मासिस्ट, ECTS क्लर्क या जो भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों नीचे आइएगा, उसके ऊपर आपका जो एड्रेस भेजना है जहाँ पे आपको भेजना है सेम लिखना है, 2 लगा के ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECTS सेल दिल्ली कैंट, और आगे पिन कोड जरूर मेंशन करना है दोस्तों, मैंने लिख रखा है पिन कोड 110010। उसके दोस्तों नीचे आएगा फॉर्म लगा के आपको खुद का एड्रेस लिखना है, जिस प्रकार मैंने लिख रखा है मुकेश कुमार सन ऑफ मंगलाराम आगे 24 जैन नगर, जो भी आपका एड्रेस है सेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके अलावा ऊपर चलिए दोस्तों, मैंने जैसे डाक टिकट का निशान बना रखा है सेम वहाँ पे आपको डाक टिकट लगाना है, ये डाक टिकट आप नहीं लगाएंगे, ये डाक टिकट डाक ऑफिस वाला लगाएगा, तो आप उनके थ्रू ये डाक टिकट लगवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में चलिएगा, सेल्फ एड्रेस वाले लिफाफे के ऊपर आपको खुद का एड्रेस लिखना है। इसके अलावा ये दोस्तों नॉर्मल डाक के द्वारा ही भेजना है, और आपको इसके ऊपर बता दूं कि 25 रुपये का डाक टिकट लगेगा, कौन से वाले लिफाफे के ऊपर 25 रुपये का छोटे वाले लिफाफे पर लगेगा, क्योंकि इसका जो भी कहीं से भी आप दिल्ली से वापस आएगा ज्वाइनिंग लेटर इसी के अंतर्गत आने वाला है, तो आप ये लिफाफा जरूर मेंशन करिए और उसके ऊपर 25 रुपये का डाक टिकट लगा के उसके अंदर बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डालिए। सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसी लिफाफे के अंतर्गत आपको डालने हैं,
उसके अलावा आपको रीचेक करना है पूरे फॉर्म को, और फॉर्म को भी उसी के अंतर्गत मेंशन करके डालना है। तो हमारा फॉर्म हमने डाल लिया लिफाफे के अंतर्गत, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स डाल लिए अपने सेल्फ अटेस्ट करके। इसके अलावा दोस्तों लिफाफे को भी आपका खुद का एड्रेस लिख के अपने डाल दिया। तो दोस्तों हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया, अभी बाकी क्या रह गया, आपको पोस्ट करना है। तो पोस्ट हमने बता दिया कि नॉर्मल डाक के द्वारा ही आपको पोस्ट करना है, हो सके तब तक। इसके अलावा इस फॉर्म की हमारी जानकारी बहुत तो कंप्लीट हो गई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि आपको फॉर्म को डाउनलोड कहाँ से करना है, क्या करना है, तो हमारी पूरी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी दोस्तों कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और एक वैकेंसी और है दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके लिए भी अवेलेबल हो, सेंट्रल बैंक सिवान की वैकेंसी। इसमें अटेंडर के पदों की वैकेंसी 8 ही पास इसके अंतर्गत मांगी गई है। तो डिटेल्स वीडियो मैंने बना के रखा है प्ले लिस्ट में, आप सारे वीडियो जाके चेक कीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हो या आवेदन कर सकते हो, जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।